Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. दुनिया के महफूज तरीन शहरों में टोरंटो छठे नंबर पर. एनडीपी के 14 साबिक उम्मीदवार ग्रीन पार्टी में शामिल. टीटीसी का नामुनासिब इंतजाम के सबब कारकुन की हलाकत का एतराब. अमरीका और तालिबान के दरमियान मुआमलात तय पा गए. अमरीका ने ईरान की 3 खलाई एजेंसियों पर पाबंदियां आयद कर दी. हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल कर लेते हैं इस ब्रेक के बाद. Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian Immigration Officer and a senior case analyst, and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case, and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers, and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once, do it right. एरिया एनक्लेव के एन वस्त में मदीना मॉल एंड रेजिडेंसी, मरगला के पहाड़ों के हसीन व्यू लिए वर्ल्ड क्लास बेहतरीन फैसिलिटीज और एमिनिटीज के साथ 2 और 3 बेडरूम के सुपर लग्जरी लाइफस्टाइल अपार्टमेंट और शॉपिंग मॉल, हर अपार्टमेंट विला जैसा रोशन और कुशादा. बुकिंग और तफसीलात के लिए अभी कॉल करें. मैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानी बहनों और भाइयों के लिए ला रहा हूँ एक शानदार प्रोजेक्ट, मदीना मॉल एंड रेजिडेंसी. तफसीलात के लिए राबता कीजिए शराज बदर 519-807-8771. ईमेल कीजिए shiraz@propertybrothers.com. आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर वैद्य हरीश वर्मा से अपनी सेहत को ठीक रखने या किसी भी पुरानी बीमारी या रोग के बारे सलाह लें. 416-804-1500, 416-804-1500, 2250 बुवेट ड्राइव ईस्ट, यूनिट 601, ब्रैम्पटन. आयुर्वेद दुनिया का सबसे प्राचीन मेडिकल सिस्टम है. घुटनों का दर्द यानी आर्थराइटिस, डायबिटीज, कोलाइटिस या फिर त्वचा के रोग जैसे सफेद दाग यानी वटीलेगो, सोराइसिस, एक्जिमा आदि का आयुर्वेद में कैसे होता है इलाज, देखें कनाडा के जाने माने आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर वैद्य हरीश वर्मा के साथ. हेल्थ जरूरी है. वैद्य हरीश वर्मा के शो हेल्थ जरूरी है को टीवी चैनलों और यूट्यूब पर देखें और उनसे राब्ता करें 416-804-1500, 416-804-1500. इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के 2019 सेफ सिटीज इंडेक्स में टोरंटो छठे नंबर पर आ गया है, जबकि टोक्यो ने मुसलसल तीसरे साल टॉप पोजीशन हासिल की. मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में. इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के 2019 सेफ सिटीज इंडेक्स में टोरंटो छठे नंबर पर आ गया है, जबकि टोरंटो ने मुसलसल तीसरे साल टॉप पोजीशन हासिल की. सेफ सिटीज इंडेक्स के मुताबिक टोरंटो को महफूज तरीन शहरों में छठे नंबर पर रखा गया है, जबकि अमेरिका का शहर वॉशिंगटन डीसी 7वें नंबर पर है. शुमाली अमेरिका के 2 शहर टॉप 10 शहरों में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए. इंडेक्स में 5 बड़े आजमों के शहर शामिल है, जबकि इस सिलसिले में शहरों में 4 शोबों का जायजा लिया गया, जिसमें जिद्दत, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, जाती हिफाजत शामिल है. इस फहरिस्त में टोक्यो पहले, सिंगापुर दूसरे और ओसाका तीसरे नंबर पर अपनी पोजीशन बनाने में कामयाब रहा. एनडीपी के 14 साबिक उम्मीदवार और न्यू ब्रंसविक से वफाकी जमात के अहम नुमाइंदों ने ग्रीन पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है.
मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एनडीपी के 14 साबिक उम्मीदवार और न्यू पांचवीक से वफाकी जमात के अहम नुमाइंदों ने ग्रीन पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। उम्मीदवारों की जानिब से ये इकदाम ऐसे मौके पर सामने आया है जब वफाकी इंतखाबात की मुहिम की तवक्को की जा रही है। उम्मीदवारों के ग्रुप ने मॉन्टन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ग्रीन पार्टी में शमूलियत की दरख्वास्तें जमा कराई, जहाँ उन्होंने एनडीपी से अलहदगी का ऐलान किया। इस मौके पर जोनाथन रिचर्डसन का कहना था, उन्होंने महसूस किया कि तरक्की पसंदी की सोच लेकर वफाकी और सूबाई सतह पर आगे बढ़ने के लिए एनडीपी मुनासिब प्लेटफॉर्म नहीं रहा। एक इंटरव्यू में रिचर्डसन ने इस बात की निशानदेही की कि किस तरह ग्रीन के पास सूबाई मुकन्ना में 3 नशिस्तें हैं जबकि एनडीपी के पास कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि महदूद वसाइल और वहां नशिस्तें जीतने के कम इम्कान के सबब वफाकी पार्टी ने भी सूबे को नजरअंदाज किया है। टोरंटो ट्रांजिट कमीशन ने 2 साल कबल एक ट्रांजिट कारकुन की हलाकत के सिलसिले में काम की जगह के हिफाजती कवानीन की खिलाफ वर्जी के जुर्म का एतराफ कर लिया है। जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो ट्रांजिट कमीशन ने 2 साल कबल एक ट्रांजिट कारकुन की हलाकत के सिलसिले में काम की जगह के हिफाजती कवानीन की खिलाफ वर्जी के जुर्म का एतराफ कर लिया है। टीटीसी के सीईओ रैक लैरी ने एक बयान में कहा है कि ट्रांजिट एजेंसी ने पेशावराना सेहत और हिफाजत के एक्ट के तहत किसी कारकुन के तहफ्फुज़ के लिए हर एहतियात को माकूल तरीके से निभाने में नाकाम होने के इल्जाम में जुर्म साबित हुआ है, जबकि वजारत मेहनत की जानिब से 2 इल्जाम को हटा दिया गया है। टॉम डेट्स, जो की कमीशन के लिए 18 सालों से काम कर रहे थे, 2 गाड़ियों के हादसे के नतीजे में हलाक हो गए थे। टीटीसी की जानिब से कहा गया है कि 50 साल शख्स एक पिकअप ट्रक में से सामान उतार रहा था जब यह हादसा पेश आया। टीटीसी की जानिब से कहा गया है कि इदारा हर्जाने के तौर पर $2,65,000 अदा करने के लिए तैयार है, जबकि उनके $66,250 के बकाया जात भी अदा किए जाएंगे। हुकाम की जानिब से कहा गया है कि मस्कूरा वाकये के बाद हिफाजती इकदाम किए गए हैं। अफगानिस्तान से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, अफगानिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदा खसूसी खलील जात ने अमरीका और तालिबान के दरमियान मुहाइदे की तस्दीक की, ताहम मुहाइदा अमरीकी सदर की तौसीक तक हतमी तसव्वुर नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदा खसूसी सलमे खलीलजाद ने अमरीका और तालिबान के दरमियान मुहाइदे की तस्दीक कर दी, ताहम मुहाइदा अमरीकी सदर की तौसीक तक हतमी तसव्वुर नहीं किया जाएगा। अफगान खबरसा इदारे को दिए गए इंटरव्यू में सलमे खलीलजाद ने कहा कि अमरीका और तालिबान के दरमियान मुहाइदे के उसूलों पर इत्तेफाक हो गया है, अलबत्ता अमरीकी सदर की तौसीक तक ये मुहाइदा हतमी नहीं है। तालिबान और अमरीका के दरमियान 10 माह तक चलने वाले मुजाकरात के 9 दौर हुए। सलमे खलीलजाद ने बताया कि मुमकिन मुहाइदे के तहत अमरीका अफगानिस्तान के 5 फौजी अड्डों से 135 रोज के अंदर 5,000 फौजियों का इनखला करेगा। अमरीकी नुमाइंदे का कहना है कि मुहाइदे के पहले मरहले में सूबे काबुल और परवान में तशद्दुद में कमी वाकई हुई। जलमे खलीलजाद ने वाजे के इस्लामी अमारात की जानिब वापसी का तालिबान की हुकूमत के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया, उसे जबरदस्ती कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि सदर ट्रंप इस बात का फैसला करेंगे कि तालिबान और हुक्काम के दरमियान कहां और किस किस्म की डील की जाएगी। ताहम एक तरफा ख्यालात की जबरदस्ती तौसीक की कोशिश की गई तो नतीजा जंग होगा। अमेरिका ने ईरान की 3 खलाई एजेंसियों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। महकमा खजाना का कहना है कि एस्ट्रोनॉटिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट समेत 3 इदारों पर पाबंदियां आयद की गई है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमेरिका ने ईरान की 3 खलाई एजेंसियों पर पाबंदी आयद कर दी है। महकमा खजाना का कहना है कि एस्ट्रोनॉटिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट समेत 3 इदारों पर पाबंदियां आयद की गई हैं। तफसीलात के मुताबिक बुध को जारी किए गए एक बयान में अमेरिका के महकमा खजाना ने कहा कि ईरान की खलाई एजेंसी ईरान स्पेस रिसर्च सेंटर्स और एस्ट्रोनॉटिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट पर पाबंदियां आयद कर दी गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मई 2018 में ईरान से जुलाई 2015 में तय शुदा जौहरी समझौते से दस्तबरदार हो गए थे और नवम्बर में ईरान के खिलाफ सख्त इक्तिसादी पाबंदियां आयद कर दी थी, जिससे उसकी मईशत जबोहाल हो चुकी है। अमेरिका ने तब से ईरान के इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ पाबंदियां आयद करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। अमेरिकी महकमा खजाना ने इससे कबल ईरान की 2 फजाई कंपनियों महान एयर और मेराज एयर से वाबस्ता इदारों के अलावा 2 ईरानियों और 1 तुर्क कंपनी पर भी पाबंदी आयद की है। अमरीकी वजीर खजाना स्टीवन म्यूचिन ने एक बयान में कहा कि महकमा खजाना ने जिन सहूलतकार इदारों और अफराद पर पाबंदियां आयद की है और उन्हें ब्लैक करार दिया गया है, वो ईरान की फजाई कंपनियों महान एयर, कैस्पिन एयर, मेराज एयर और पोया एयर को फाजिल पुर्जा जात और खिदमात मुहैया कर रहे थे। वाज़ह रहे कि अमरीकी वजीर खारजा ने गुज़िश्ता बरस कहा था कि अमरीका ईरान पर सख्त तरीन पाबंदियां आयद करेगा, जिससे ईरान की मईशत बुरी तरह मुतासर होगी। इसी के साथ ही टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu.
only at TAC TV.